आज मैं सूरदास के पद पाठ के अन्य दो पदों की व्याख्या करूंगी। पद का पाठ करते हुए मैं उसकी व्याख्या आरंभ करूंगी। देखिए, मैं पद का पाठ कर रही हूं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोक लागत है ऐसो जियो करुई ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यो तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही है कि जिस तरह हारिल, जो कि एक प्रकार का पंछी है, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार हमने हमारे प्रभु हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, अन्य कोई नहीं। यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का ही नाम रटते रहते हैं, और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। ये गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियां कहती हैं, तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं, और शायद वे इस संदेश सुनकर विचलित हो जाएं। पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब मैं अंतिम पद की व्याख्या करती हूँ। पद को ध्यानपूर्वक सुने। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। बहुत ही अच्छी पंक्तियां। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ मधुकर को उद्धव के रूप में दर्शाया जा रहा है, मधुकर अर्थात भवड़ा, जिसके माध्यम से गोपियां उन्हें उलाहना देती हैं, और उन्हीं के माध्यम बनाकर यहाँ संदेश भी भेज देते हैं। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा उद्धव जी यहाँ भवड़ा कहकर दर्शाया गया है, वो तो पहले से ही चालाक हैं, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गए हैं, और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। ये गोपियां कह रही हैं, कृष्ण की बुद्धि को भी तो दाद देनी होगी जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिसे हम उन्हें भूल जाएं ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार, यानी गोपियों के अनुसार, बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है
कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही बिरह की पीड़ा शांत हो सके।